யாரோடும் Oh my God! Wow! Well guys, आपको सबसे पहले यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज आपको प्लस पे क्लिक करके 1:1 रेशियो को चूज कर लेना, और यहाँ पर गाइज आप जिस भी इमेज पे वीडियोस बना रहे हो अपना वो उन सारे इमेजेस सबको इंपोर्ट करके इस फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना, और शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज ए PNG एक्सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर जो ये सेव है, इस सेव का आइकन पे क्लिक करना होगा। इस तरह आपको कम से कम 10-15 इमेजेस क्रिएट कर लेना होगा। तो मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, अब मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब गाइज आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं बडीज एडिटेड प्रोजेक्ट बाय टेक्निकल स्वेल। ये जो प्रोजेक्ट है इसका XML फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा। आप XML के थ्रू या प्रीसेट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। और गाइज अब आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा। अभी सबसे नीचे यहाँ पर ऑडियो मिल जाता है, एग्जाम्पल वाले के लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसका ऑडियो को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको ये ग्रुप है, इससे एडिट ग्रुप पे क्लिक करना होगा। योर इमेज, यहाँ पर आपको अपना 1:1 रेशियो का जो भी इमेज है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर 1:1 रेशियो का मैं ये वाला इमेज को चूज़ करता हूँ, और देखो ये आ चुका मेरा। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो, स्लाइड करोगे द बॉयज PNG, तो द बॉयज़ PNG कलर एंड फील पे जाना होगा, रिप्लेस पे जाना होगा। और गाइज आपको यहाँ पर द बॉयज़ का PNG वाला इमेज को इंपोर्ट करना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर द बॉयज़ PNG इमेज यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर गाइज ये जो सर्कल सब देख रहे हो, ये आई के ऊपर आपको सेट करना होगा, यानी कि जो भी आइज़ है उन सारे आइज़ के अंदर आपको ये सेट करना होगा। अब देखो ये आइज़ इस तरह है, तो आपको यहाँ पर इसे जहाँ पर भी सेट करना है आप कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो भाई देखो ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे रोटेशन भी दे सकते हो, आप रोटेट कर लेना ये सब से। और यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, जब भी आप ये कर दोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, दिखने में बहुत ही कूल सा लगता है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हो नेक्स्ट ग्रुप आता है, एडिट ग्रुप पर जाना होगा। और यहाँ पर गाइज आप वीडियो को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये और इमेज आ रहा है, तो इस पर कलर एंड फील पर जाना होगा, रिप्लेस पर जाना होगा। और आपने जो भी इमेज से बनाया उन सारे इनमें से कोई भी एक को चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पर ये वाला चूज़ करता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर गाइज आपका ये हो चुका। अब इसके अंदर अनदर इमेजेस, तो इस पर भी आप अनदर इमेजेस यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल ये वाला इमेज यूज़ करता हूँ। तो ये जो देख रहे हो ये रोटेशन आपको रहता है, तो यहाँ पर ये रोटेट को हटा सकते हो आप। अब यहाँ पर गाइज अगेन आपको नीचे वाला इमेज पर क्लिक करना होगा, और सिलेक्ट मीडिया पर सेम इमेज को चूज़ करना होगा। अगेन आपको यहाँ पर रोटेशन को यहाँ पर 0 डिग्री कर देना होगा। आप मतलब फोटो अगर आपका टेढ़ा वे का है तो आप उसे रोटेट करके सही कर सकते हो। देन स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, और आपका अपर वाला फोटोज़ को भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया। तो देख सकते हो ये आपके यहाँ पर इस तरह क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गाइज आपका ये ग्रुप भी क्रिएट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका रहा, और ये तो ये भी आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो ग्रुप देख रहे हो इसका एडिट ग्रुप पर क्लिक करना होगा। अब आप इस ग्रुप के अंदर आ चुके हो। अब ये और इमेज, तो आपको यहाँ पर इस तरह आपको इंपोर्ट करना होगा अपना जो भी इमेज है आपका। तो मैं यहाँ पर कुछ ये वाला इमेज को चूज़ करता हूँ। अब ये इमेज को मैंने चूज़ किया, आपका एंड तक इसे कट कर देना होगा, और इस वाले फ़ोटोज़ को सबसे नीचे कर देना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको ये जो आपका ये और इमेज देख रहे हो इसे डिलीट कर देना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपना इमेज इंपोर्ट कर चुके हो। अब यहाँ पर गाइज आपको PNG इमेज, तो ये जो देख रहे हो PNG इमेज। अब यहाँ पर गाइज आपको फोटो रूम एप्लीकेशन पे जाना होगा, और अपना कोई भी इमेज को PNG कर लेना होगा। इस तरह आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना इमेज को इंपोर्ट किया, ये तुरंत ही PNG करके दे देता है। इरेज पे क्लिक करना होगा, शेयर पे क्लिक करना होगा, सेव टू गैलरी पे क्लिक करना होगा। तो ये देख रहे हो गाइज, ये 1:1 रेशियो का फोटोज़ नहीं है, दैट्स वाई ये आपका स्ट्रेच हो जा रहा है। तो अगर आपको इसे करना है तो आपको क्या करना होगा, फोटोज़ को सिंपली इस तरह इंपोर्ट कर लेना डायरेक्टली, और एंड पे कट कर देना उससे, और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, और उस लेयर को कॉपी लेयर कर लेना होगा, और उस लेयर को डिलीट कर देना होगा। अब फोटोज़ लेयर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर साइज़ पे जाके मैं छोटा कर लेता हूँ। या आपको अगेन आप जब भी इस पर क्लिक करोगे ना, और इस एरो पे क्लिक करोगे, कलर एंड फिल पे जाओगे, पेस्ट करोगे, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, बट कोई स्ट्रेच नहीं होता है। तो ये जो आपका मसला है ये आपका सही हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आप साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है तो ये ज़्यादा ऊपर हो गया ना, तो इसे आपको ज़्यादा ऊपर तक करना भी नहीं है, यानी कि आपको इतने ही दूर रखना होगा।
तो देख सकते हो अब यहाँ पर इस तरह ये इतना ही ऊपर होगा। अब योर इमेज, योर इमेज पे क्लिक करना होगा, रिप्लेस पे जाना होगा। और यहाँ पर गाइज आपने जो अभी ये वाला इमेज चूज़ किया सेम इसी वाला इमेज को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो मैं 1:1 रेशियो का ये इमेज चूज़ किया और योर इमेज और एक आता है तो आपको इसके अंदर भी सेम उसी वाले इमेज को सिलेक्ट करना होगा। अब उस सारे इमेज को इस 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया और वो वाला इमेज को भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया। अब यहाँ पर इमोजी, इमोजी पे जाना होगा और अपना इमोजी को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला इमेज इमोजी को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस ये वाला इमोजी को मैंने सिलेक्ट किया, अगेन सेम इमोजी आपको इसी वाले जगह पर सेम इमोजी यूज़ करना होगा जो कि नेक्स्ट लेयर है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका क्रिएट हो जाएगा इस तरह। और यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखते हो तो देख रहे हो ये इस तरह आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब बैक करना होगा और अभी आपको देखना होगा हाँ आपका ये वाला प्रोजेक्ट भी एडिट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है इसके अंदर जाना होगा, ग्रुप के अंदर जाना होगा, ये और इमेज सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाला इमेज किया इम्पोर्ट और यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला लेयर भी आपको क्रिएट हो जाएगा इस तरह। तो अब यहाँ पर गाइज आपको ग्रुप नेक्स्ट वाला क्लिक करना होगा और एडिट ग्रुप के अंदर जाना होगा, सेम इसके अंदर भी इमेज सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर ये वाला इमेज सिलेक्ट किया, 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना और उसके बाद आपको वो सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो ये वाला फोटोज़ भी आपके यहाँ पर एडिट हो गया। अब इसके अंदर सेम आपको उसी वाले प्रोसेस को करना होगा, जैसे कि आपको अपना कोई भी इमेज को इम्पोर्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज यूज़ करता हूँ जो कि मेरा रहेगा ये वाला। अब यहाँ पर गाइज आपको ये वाला इमेज आपने यूज़ किया, अब यहाँ पर कट कर देता हूँ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे की तरफ और उसके बाद इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा मीन्स यहाँ पर देख सकते हो आप जो कितना छोटा रखना होगा, तो इतना मैं रखता हूँ। अब नीचे योर इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, पीएनजी इमेज। तो आपको यहाँ पर सेम पीएनजी इमेज क्रिएट करना होगा फोटो रूम से और ये पीएनजी इमेज पे सिलेक्ट मीडिया करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा ऑफकोर्स। तो आपको क्या करना होगा, सेम उसी वाले प्रोसेस को अपना करना होगा, जैसे कि यहाँ जहाँ से पीएनजी इमेज स्टार्ट हो रहा है उस वाले ड्यूरेशन पर जाना होगा। अब यहाँ पर फोटो रूम से जो भी पीएनजी किए उतना दूर जाना होगा, जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर कट कर देना होगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होगा, मतलब नीचे की तरफ कर देना होगा। अब उस लेयर को आपको कॉपी लेयर करना होगा जो आपका पीएनजी लेयर था, पीएनजी इमेज, और आपका पीएनजी इमेज पे जाकर कलर पे क्लिक करके पेस्ट कर देना होगा। अब ये देख रहे हो, अब इसका साइज को ऑप्शन पर जाके आप इसे छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आप यहाँ पर इसे नीचे की तरफ कर सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद इधर वाला पार्ट को भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह हो जाएगा नीचे की तरफ। तो देखो ये आपका इस तरह नीचे की तरफ हो गया। अब यहाँ पर सेम उसी वाले इमेज को इंपोर्ट करना होगा, तो योर इमेज के अंदर सेम जो आप यहाँ पर 1:1 रेशियो का इमेज क्रिएट किए होगे ऑफकोर्स, तो ये वाला इमेज को आपको सिलेक्ट करना होगा, देन स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, और यहाँ पर छोटा बड़ा आपको अपने अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर लेना होगा। मैं 777 रखा हूँ। और उसके बाद योर इमेज पे अगेन जाना होगा और यहाँ पर कलर एंड फील रिप्लेस और सेम इमेज को अगेन सिलेक्ट करना होगा और स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लेना होगा और साइज को 777 जैसे कि मैंने रखा था। तो आपको भी उससे थोड़ा से ज़्यादा या फिर आप उससे उतना ही रख सकते हो, तो यहाँ पर इतना मैंने रखा। तो ये देख रहे हो यहाँ पर एक क्रिएट होता है, यहाँ पर ये एक इफेक्ट तरह क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह अब इमोजी पर क्लिक करके आप कोई भी इमोजी सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर इमोजी भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपका ये ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊँगी, देखो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। योर इमेज सिलेक्ट करना होगा सिंपली, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आते हैं तो इसके अंदर एडिट ग्रुप पर जाना होगा और यहाँ पर देखो गाइस थोड़ा सा योर इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फिलहाल मैं ये वाला इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस नेक्स्ट जो आप देख रहे हो अनदर इमेज, तो इसके अंदर मैं अनदर इमेज चूज़ करता हूँ जो कि मेरा रहेगा कुछ आई थिंक ये वाला या फिर ये वाला। तो मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, अगेन अनदर इमेज, तो इसके अंदर भी अगेन अनदर इमेज सेम उसी वाला को चूज़ करना होगा और उसके बाद फिर अगेन आपको योर इमेज। तो आप नेक्स्ट कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ पर ये वाला चूज़ करता हूँ और इसके अंदर ये वाला सेम इमेज। तो अभी आपको मैं बताता हूँ क्या करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना होगा। तो जैसे कि ये वाला फोटो उसको 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया और इससे भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया करना होगा। तो देख रहे हो ये इस तरह क्रिएट हो जाता है। और इसके अंदर इमोजी ऐड करना है तो आप कर लो। तो मैंने यहाँ पर सेम एक ही इमोजी को यूज़ किया, अगेन ग्रुप भी सेट हो गया आपका। आई थिंक आप समझ पा रही हो, ये ग्रुप भी आपका क्रिएट हो चुका। अब इसके अंदर जाना होगा, सेम आपको अपना पीएनजी इमेज को, सॉरी यहाँ पर कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करना, उस तरह आप रिपीटेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ग्रुप आता है तो इस ग्रुप पर भी मैंने यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट कर लिया अपना
फोटोज अब। अब उसके बाद आपका यहाँ पर ये ग्रुप भी क्रिएट हो जाते हैं। अब इन सारे ग्रुप्स के अंदर आपको उतना कुछ नहीं है, जस्ट इमेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा लास्ट ग्रुप था, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर इमेज इंपोर्ट किया, यहाँ पर भी किया, स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर लिया, और यहाँ पर आप इमोजी को सिलेक्ट कर दिया, इसके अंदर भी स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, रोटेट था, रोटेट को सही कर दिया, इस तरह आपको कर देना होगा। उसके बाद देख रहे हो ये ग्रुप भी हो गया, इसके अंदर तो जस्ट इमोजी ऐड सॉरी फोटोज ऐड करना है, इसके अंदर भी, ये ग्रुप के अंदर भी, ये ग्रुप के अंदर भी, इस लेयर के अंदर, यहाँ पर ये जो लेयर है डायरेक्टली इंपोर्ट कर देना होगा, इसके अंदर ग्रुप्स नहीं मिलते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर इस तरह क्रिएट हो जाता है। अब क्रिएट हो जाने के बाद आप देख रहे हो ना, मस्त सा लग रहा है। अब यहाँ पर गाइस आपको कुछ एक वीडियोस मिलता है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वाला वीडियो को इंपोर्ट करना होगा। तो गाइस ये वाला वीडियोस आपको इंपोर्ट करना होगा, और उसके बाद आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना होगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाकर लाइटन पर जाकर स्क्रीन कर लेना होगा। तो अभी देख रहे हो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, तो इसका ओपेसिटी आप घटा सकते हो, यहाँ पर 50% कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, एक सीसी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, तो ये वाला प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना होगा, और इसका लेयर को कॉपी कर लेना होगा सिलेक्ट करने के बाद। अब इसके अंदर आपको पेस्ट फोर लेयर्स, पेस्ट जो फोर लेयर्स किए उसे सिलेक्ट अगेन करना होगा, एंड तक एक्सटेंड कर देना होगा। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये वाला सीसी इफेक्ट आ जाएंगे, तो अगर आप ये वाला सीसी इफेक्ट प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय द वे मैं और भी आपको सीसी प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा गेमिंग चैनल सोहेल गेमर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा, बट आप सोहेल गेमर्स सर्च करो मिल जाएंगे, अगर देखने का दिल है तो देखो। भाई मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लिंक नहीं दे रहा हूँ, तो समझो कुछ ना कुछ खासियत है, इसीलिए मैं उतना उस पर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो जाके डेफिनेटली